हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल मेघ मेहता जी बाइथन में सर। एंड स्पेशली फॉर क्लास 9 आई एम ब्रिंगिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो भले नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसकी नॉलेज आपको कंपलसरी होनी चाहिए एट दिस लेवल इफ़ यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। क्योंकि जो भी सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे और इसको करने के अपने अपने ट्रिक्स हैं और मैं ट्रिक्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे इस वीडियो में एंड डू नॉट एस्केप एनी सेकेंड्स, बिकॉज ईच एंड एवरी सेकेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट अस लर्न द मैथ्स। ओके, देखते हैं क्या है। मैं क्या लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ऑफ अ पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट का, फ्रॉम द एक्सेस। या तो एक्स एक्सेस से पूछ सकता है या वाई एक्सेस से पूछ सकता है। इसको देखेंगे और क्या देखेंगे, देखेंगे दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, या उसी किसी पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ट्रिक देखेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। जैसे पूछता है ना, इन विच द फॉलोइंग डू द पॉइंट्स लाइज, और विन ऑन विच एक्सेस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। जैसे आपको कोई भी एक्सिस ऑर्डिनेट दे दिया और पूछ रहा है कि भाई बताइए किस वाले क्वाड्रेंट्स में है या फिर किस एक्सिस पे लाई करता है, तो उसको हम लोग देखेंगे जल्दी से। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। क्या है पहला पॉइंट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तो आपको कंफर्म होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि 90 डिग्री बनाता हुआ जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करना है, ऑफ द गिवन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फ्रॉम द एक्सिस एज गिवन इन ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में लिखा होगा, उस एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको। जैसे हम एग्जांपल में बता दें, जैसे ये पॉइंट 2, 3 है, कोई पॉइंट है 2, 3, ठीक है, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी कार्टेशियन प्लेन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू जो डिवाइड होने वाला प्लेन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, वो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉपरली पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है, सो यू विल गो इन माय यूट्यूब चैनल मेघ मेहता जी बाय तन्मय सर इन दिस चैनल एंड यू विल गो थ्रू द प्लेलिस्ट क्लास 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 3 का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, किस एक्सिस से निकालना है, एक्स एक्सिस से निकालना है, किस पॉइंट का निकालना है, 2, 3 का निकालना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इन सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करें, ठीक, तो वहाँ से प्लॉट करके देखें कि कितने यूनिट पे ये लाई कर रहा है, या इसको फाइंड आउट करने का मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आया हूँ, जो आप देखते ही पता लगा लोगे कि इस पॉइंट का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ओके, रेडी हैं आप, तो रेडी हो जाइए पेन और कॉपी के साथ। चलिए देखते हैं पहले तो मीनिंग समझते हैं। पहले 2, 3 को प्लॉट करो। 2, 3 का मतलब आपका जो एब्सिसा है, एब्सिसा जानते हो ना, एब्सिसा क्या है, 2 है, और ऑर्डिनेट, व्हाट इज द ऑर्डिनेट, इट इज 3। हमने कहा हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में चलते हैं, किस में चलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में चलते हैं। तो याद होना चाहिए पहले 2 यूनिट चलेंगे, 1, 2 यहाँ पे आ गए, यहीं पे रहिए अभी, और 3 यूनिट जाना है वाई एक्सिस पे, ऊपर या नीचे, ऊपर चलेंगे ना, तो कितना यूनिट जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, यहीं से आप आ जाइए 3 यूनिट ऊपर, परपेंडिकुलर जाइएगा, यहाँ से आप 3 यूनिट ऐसे ऊपर चले जाइएगा ऐसा, ठीक है ना, और ये 3 यूनिट आपका। So this is the perpendicular distance and this is the perpendicular distance from the y-axis. ये आपको पता है ये horizontal axis है, ये vertical axis है। horizontal को x-axis बोलते हैं, vertical को y-axis बोलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को 90 degree जहाँ intersect करते हैं वो point origin के नाम से जाना जाता है। origin का जो coordinate होता है वो होता है 0, 0, ठीक, और इसको most probably हम लोग अल्फाबेट O से represent करते हैं। ये positive direction, ये negative direction, ये positive direction, ये negative direction, left negative, down negative, अप पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव। ओके, समझ में आ गया होगा। अब ये पॉइंट की सिचुएशन होगी हमारी, मान लेते हैं कोई पॉइंट 2, 3 है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, जिसका क्या है कोऑर्डिनेट भाई, 2, 3 है। ओके, और इस 2, 3 का हम लोगों को फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड आउट करना है, किससे फाइंड करना है, एक्स एक्सिस से। तो पहले एक्स एक्सिस को पकड़ लो, ये रहा एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो यहीं से शुरू करेंगे, कितना यूनिट जाना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले वाले का आंसर आएगा, तो ये आएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ
point 2.3 from x-axis will be, क्या होगा भाई फिर से देख लो, ये x-axis से यहाँ से perpendicular distance जाना आपको, इस point तक पहुँचने के लिए कितना यूनिट जाना पड़ेगा, एक यूनिट, दो यूनिट और तीन यूनिट भी जाके पहुँच जाएंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 units. याद रहे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, किस में होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है डिस्टेंस, इट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, है ना, आपको पता होना चाहिए. ओके, ये समझ में आ गया. तो ये तो हो गया कि भैया ग्राफ बना करके प्लॉट करें. ओके, अब एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको ट्रिक पता चल जाए तो उस ट्रिक से आप कैसे भी किसी पॉइंट का किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं. ओके, कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करने वाले हैं. मीनिंग तो समझ में आ गया होगा. अगर इसी पॉइंट का हमसे पूछता भैया कि वाई एक्सिस से निकालो, तो वाई एक्सिस से कैसे निकालते, वाई एक्सिस पे जाते, वाई एक्सिस पे जाते, इस पॉइंट पे पहुंचने के कितने यूनिट जाते हैं, 1, 2, 2 units. वाई एक्सिस से क्या हो जाता, परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आंसर क्या आता, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, 2, यानी 2 units. कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब x एक्सिस से पूछा, जब x एक्सिस से पूछ रहा है तो आंसर 3 आ रहा है, जब y एक्सिस से पूछ रहा है तो आंसर 2 आ रहा है. ट्रिक यहीं से बना है, योर ट्रिक हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. बेसिक से ही ट्रिक बनता है, ठीक है ना. अब इसी का यूज हम लोग करने वाला, बिना प्लॉट किए, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स वी कैन गेट द आंसर. अब ये समझ में आ गया, प्लॉट तो कर लेंगे आप, अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, अब इरेज कर देते हैं, अब डायरेक्टली हम लोग ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे. ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, इसका आंसर 2, 3 का एक्स एक्सिस से, जिस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, तो हमारे पास ये है 2, 3, और किस एक्सिस से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे पूछा है, किससे पूछा है, एक्स एक्सिस है ना, तो हम ये एक्स एक्सिस यानी जो एब्सिसा की वैल्यू, उसको हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, जो बच गया, जो बच गया हमारा आंसर होगा. ओके, रिमेनिंग जो बच गया ना, रिमेनिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 units. भाई आपसे x एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था, x को हाइड कर लो, जिस एक्सेस से पूछेगा उसी को हाइड करना है, तो x एक्सेस को हाइड कर लिया, हमारा आंसर क्या हो गया भाई, 3. तो ये हमारा आएगा 3 units. कैन यू ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, इसके लिए ट्राई कर सकते हो, फ्रॉम y एक्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस क्या हो सकता है, जल्दी से गैस करके बताओ, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट है -5, 2, -5, 2 है, इसका हमसे पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम, कहाँ से पूछा भाई, वाई एक्सिस, तो प्लॉट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिस एक्सिस से पूछा है उसी को हाइड कर लो. अरे भाई ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ऑर्डर पर पढ़ा ना आप लोगों ने, ये आपने हाइड कर लिया, तो y को हाइड करने के बाद आंसर क्या बच रहा है, -5 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 5 units. हमने आपको अभी भी बताया कि जब डिस्टेंस की बात की जाएगी तो डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, भले इसमें -5 दिया है लेकिन आप 5 units ही लिखेंगे. ओके, सो वी विल नेगलेक्ट द साइन ऑफ माइनस इन केस व्हेन इट इज आस्किंग फॉर डिस्टेंस. जब डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में आप नहीं लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप. ओके, अगला देख लेते हैं, आप तो देख के आंसर बता सकते हो, कैन यू ट्राई. अरे भाई सी है कोई कोऑर्डिनेट, सी कोई कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस, कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -2, -8, और इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स को हाइड कर लेंगे और आंसर क्या है, -8, तो आंसर -8 होगा कि 8 होगा, -8 और 8, हाँ 8 होगा, आपका हो जाएगा 8 units आंसर. समझ में आ रहा है, विदाउट प्लॉटिंग वी आर फाइंडिंग द आंसर. लेट अस सी द लास्ट वन, D is any point whose coordinate is given as 5, -7, और इसका पूछ रहा है भाई y एक्सिस से क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y को हाइड कर लेंगे, तो ये रहा y, ये रहा x, तो ये y को हाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 units. अभी हमने पहला केस आपको बताया है कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है, क्या है मीनिंग, क्या मतलब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, अगर उसको प्लॉट करके बोला है, प्लॉट करके बताइए तब तो प्लॉट करेंगे, सिर्फ पूछा है क्योंकि ये 1 mark से ज़्यादा में आएगा नहीं, तो आपको ये ऐसे ही कर देंगे, तो कोई इश्यूज़ नहीं है और कहीं भी कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है. याद रखिएगा कि आपकी जो भी वैल्यू है डिस्टेंस के केस में,
डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस पूछेगा तो कभी भी निगेटिव नहीं बताएंगे। जैसे इसी पॉइंट का अगर हमसे पूछता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स को हाइड करते तो आंसर -7 होता, लेकिन -7 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ओके, दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक फर्स्ट। अब जल्दी से सेकेंड टॉपिक को देखते हैं, क्या है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इसको भी हम पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं ट्रिक बनता है तो ठीक है। यह आपका कार्टेशियन सिस्टम हो गया भाई, और मान लेते हैं 2, 3 कोई पॉइंट है, इसका पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई पॉइंट ए है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन तो ये रहा जिसमें दो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओ, एक दूसरे को 90 डिग्री कट करते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। पहले 2, 3 मेंशन कर लेते हैं, 1, 2 यूनिट यहाँ आ गए, 3 ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3 यहाँ पे आ गए, ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ये पॉइंट आपका हो गया ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। अब हमें पूछा है कि भाई इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। अभी तो एक्सिस से निकाल रहे थे तो बड़ा आसान था, ओरिजिन से निकालना है। तो अब ये देखो, हमने इसको ऐसे मिला दिया, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा ना इसका, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो ओरिजिन से इसको मिला देंगे, यही पूछ रहा है भाई ये कितना होगा। ओके, अच्छा, यहाँ से लेके ये जो ये यूनिट है, इसका कुछ नाम रख दे, बी रख देते हैं अगर, तो ये ओ बी की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट्स, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3 यूनिट्स है। नहीं समझ में आ रहा, अरे ओ बी कितना यूनिट है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट है और वाई एक्सिस पे कितना है, 3 यूनिट है। तो आप इसको थोड़ा जूम कर लो, जैसे वो जूम करते हो कैमरे में ऐसे जूम करते हो, तो मान लो हमने 4x जूम कर दिया, इसको 4x जूम करो ज़रा, जूम करते हैं, जूम करेंगे तो क्या क्या आएगा, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर होता है ना, पता है ना आपको, और ये ऐसे जूम कर दिया हमने थोड़ा सा, मान लो 4x कर दिया, ये b हो गया, इसको थोड़ा जूम कर लें, ये इसको ऐसे मिला दिया, दिस विल बी o, दिस इज a, दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, इट इज़ आस्किंग फॉर दिस। ये तो कहीं पड़ा पड़ा ऐसा लग रहा है, लग रहा है कोई कहीं पढ़ा हमने इसको, पढ़ा तो है, अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो लग रहा है बेस ओस हैं क्या, हाँ लग तो रहा है बेस है, कहीं ये परपेंडिकुलर तो नहीं, हाँ परपेंडिकुलर तो नहीं है, अरे तो परपेंडिकुलर लग रहा है, ये तो बच गए, अभी जाने पहचाने लग रहा है भाई, 90 डिग्री के सामने वाले जो है ना, इनका नाम तो कुछ और है, इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है हाइपोटेनस, क्या नाम है, हाइपोटेनस नाम है इनका। तो ये तो हमने पढ़ा ही है भाई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन किसी ने दिया था, क्या था रिलेशन वो, पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा है हम लोगों ने, पाइथागोरस बड़ा फेमस है, पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7 में था, हम तो क्लास 9 में है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके, पहली बार तो नहीं देख रहे इसको आप लोग, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो नहीं पता उसको निकाल लो। इसमें बेस की वैल्यू, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है, ओ ए स्क्वायर, ओ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, 2 स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9, व्हाट विल बी देयर, इट विल बी 13। बट हमसे पूछा है भाई ओ ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13, तो ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 13, सो दिस द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 13, तो ये आ गया अंडर रूट 13। अब इसको वापस चलते हैं, क्या आ गया भाई, सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द ओरिजिन विल बी अंडर रूट 13। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में ही आया कि किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा तो हम सीधे सीधे उसको पहले लिखेंगे, ट्रिक मिला कि अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर लिखेंगे यानी जो पॉइंट दिया होगा, और प्लस वाई का स्क्वायर लिख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। जैसे एक और पॉइंट देखते हैं, अगर उसका ओरिजिन से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, ये 5 -3 का पूछा है भाई, ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, कहाँ से डिस्टेंस बताइए, ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, तो क्या करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू अप्लाई, ये पूरा हमने डिटेलिंग बताई है आपको, अब इसको शॉर्ट में करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना,
जैसे पहले वाले को ट्रिक्स अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट फोर फोर और प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, ये आ जाएगा अंडर रूट थर्टीन है, तो आ गया ना रूट थर्टीन आया कि नहीं आया, ये था हम लोगों का। अब इसको ट्रिक्स लगाएंगे क्या आएगा, अंडर रूट फाइव स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट माइनस थ्री का स्क्वायर, भाई निगेटिव का स्क्वायर करोगे वैसे भी पॉजिटिव आएगा, कोई मतलब है नहीं उसका, तो ये आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन आ जाएगा अंडर रूट थर्टी फोर आंसर। तो कैसा रहा ट्रिक, हाँ सही समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। ओरिजिन से पूछेगा तो पाइथागोरस थ्योरम को माइंड में रखोगे और ट्रिक ये लगा लोगे आप, ओके ट्रिक क्या लगाओगे अंडर रूट, अगर ओरिजिन से पूछेगा, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंडर रूट बनाना है, इसमें एब्सिसा जो होगा इसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस जो ऑर्डिनेट होगा उसका होल स्क्वायर कर देना है, बेटा आपको आंसर मिल जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि स्क्वायर हम निगेटिव का भी करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पूरा डेफिनेटली पॉजिटिव में आना ही आना है। दिस इज द ट्रिक एंड द कॉन्सेप्ट, बोथ मैंने दोनों बता दिया। लास्ट देख लेते हैं, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, पूछता है ना कि किस कार्टेशियन प्लेन में है, हाँ अभी तक तो हम लोगों ने रट्टा मारा है, कैसे रट्टा मारा है इसे, कार्टेशियन प्लेन है इस तरह से आप दिखा लेते हो क्या, तो एक क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट सेकंड है, क्वाड्रेंट थर्ड है और ये फोर्थ है, तो कहते हैं इसमें सर प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होगा माइनस प्लस होगा, इसमें माइनस माइनस होगा और इसमें आपका क्या होगा भाई प्लस और माइनस होगा, तो ये तो रट्टा मारने वालों ने बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लिया होगा, है ना, बहुत ऐसे बहादुर बच्चे हैं जो इन सब में काफ़ी तेज होते हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट, ओके उनको कह दो कि पूरा रट्टा मारना है कि सर एक घंटे टाइम दो उसके बाद मिलो हमसे, आप अभी बताते हैं आपको फटाफट, समझ में आ नहीं आया डजेंट मैटर एट ऑल, बट दे कैन टोटली फ्रिक्वेंटली एक्सप्लेन, लगेगा कि पूरा का पूरा प्रिंट आउट करके दे दिया है बाहर, बट हमें मैथ्स में ऐसा नहीं करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। डायरेक्शन अगर आपको याद है, डायरेक्शन डायरेक्शन याद है ना भाई, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये ओरिजिन बन जाता है, क्वाड्रेंट बन गया, फर्स्ट से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में आपको। अब मान लो आपको पता करना है 2 और -8 का ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये रट्टा मारने वाले तो कर ही लेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे प्लस बनाना है, ठीक ओरिजिन पे चले जाना है, और पहले प्लस x पे चलना है तो इधर कुछ आ जाना, और y पे चलना है माइनस इधर आ जाना, कहाँ पे आ गए तो 1, 2, 3 एंड 4, कौन से क्वाड्रेंट में हो अभी आप, तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड, सही है, यस सर इतना मारूंगा ना। अब क्या है इसको सही कैसे करेंगे आप, मैं ट्रिक बता रहा हूँ फिर से देखो, यहाँ से आप पहले प्लस टू चलोगे तो प्लस टू किधर चलना भाई, इधर चलना उधर चलना है, उस तरफ जाएंगे ना प्लस एक्सेस, अभी मैंने बताया यहाँ पे ये प्लस कितना आएगा 1, 2 यहाँ पे आ गए, और जो भी है जितना भी यूनिट आप बस डायरेक्शन से आप मतलब रखो, यूनिट से मतलब ये मत रखो, बस डायरेक्शन देखो, प्लस किधर जाना है माइनस किधर जाना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। ओरिजिन पे खड़े हो, एक्स पे जाना है प्लस इधर ही चलेंगे, और वाई पे चलना है माइनस इधर चलेंगे, कहाँ पे आ गए आप फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, तो ये आपका आंसर क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फिर आगे देखते हैं, मान लो हमसे पूछा -2 और -5 तो कैसे चलेंगे, ये ऐसे प्लस बनाया ओरिजिन पे खड़े हो गए, एक्स पे चलना है माइनस, एक्स पे चलना है माइनस इधर आ गए, वाई पे चलना है माइनस इधर आ गए, किस क्वाड्रेंट में आ गए भाई थर्ड पे, समझ में आ रही बात। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको पता लगाना है कि भाई -4 और 2 किस में है, तो यहाँ पे प्लस बना देना ऐसे, यहाँ ओरिजिन पे खड़े हो जाना, ओरिजिन पे -4 चलना है एक्स पे इधर आ जाना, फिर 2 चलना है ऊपर ये इधर आ गए, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए आप सेकंड क्वाड्रेंट में, फिनिश। कुछ नहीं करना आपको, पूरा इसे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा सा प्लस बनाना है, डायरेक्शन पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है डायरेक्शन पे, डायरेक्शन का मतलब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस इसी को आपने अगर ढूंढ लिया, और पहले हमेशा एक्स चलेंगे दूसरा वाई चलेंगे, अगर ये आपको याद है तो कहीं पे भी होगा पॉइंट आप उसको पहचान लेंगे किस क्वाड्रेंट में है। अब रही बात एक्सिस की, वो भी हम आपको बता देते हैं कि भाई एक्सिस पे कैसे आप पता करते हो, कभी भी आपका कोई भी पॉइंट जैसे आपसे पूछे भाई 0.5 तो 0.5 में एक्स की वैल्यू क्या है 0, अगर एक्स 0 है तो ये किस पे लाई करेगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब अगर आपका है 6.0
तो इसमें वाई की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो है यानी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे होगा। इसको आप चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। और 0,0 क्या है, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज़ नोन एज द ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0। आई होप इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर ऑल न्यू व्यूवर्स एज वेल एज द ओल्ड व्यूवर्स हु आर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया, मेरे कॉन्सेप्ट से लेकर के ट्रिक तक आपको पूरा बताया है, और ये रहा एक्सेस की बात कि एक्सेस पे कैसे आप फाइंड आउट करोगे ये भी हमने बता दिया है, ओरिजिन से कैसे डिस्टेंस निकालोगे, एक्सेस से कैसे डिस्टेंस निकालोगे, दोनों का ग्राफिकल और ट्रिक मैंने बता दिया है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, ओके। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाले आपको चैप्टर्स मिलने वाले हैं क्लास 9 के लिए, और क्लास 10 का भी मेरा कंटिन्यू है, इंटरेस्टेड है तो जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर इंपॉर्टेंट स्टडी इन दिस क्रिटिकल कंडीशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।